अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ कबाब की रेसिपी। आज हम रेशे वाले शामी कबाब बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही मैं आपको शामी कबाब के साथ खाए जाने वाली हरी चटनी की रेसिपी भी बताऊँगी, जो कि आप शामी कबाब के साथ भी खा सकते हैं और किसी और कबाबों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बेहद लजीज बनती है ये चटनी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 2 कप चने की दाल ली है। ग्राम में देखें तो 250 ग्राम हमारी ये दाल है। दाल को हमने पहले से भिगो के नहीं रखा, बस हमने इसको साफ करके धो के यहाँ पे रखा हुआ है। इसी तरीके से हम गोश्त के अंदर इसको डालेंगे। 1 चमचा नमक है। 3 दरमियाने साइज की हमने प्याज ली थी, उसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया। 20 से 25 लहसुन के जवे हैं और इतना बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। और गर्म मसाले में हमने 3 तेज पत्ते लिए हैं। 3 दरमियाने साइज की दालचीनी है, अगर बड़ी हो तो आप 2 ले सकते हैं। 20 से 25 गोल काली मिर्च है। 6 से 7 लौंग है। 2 बड़ी इलायची है। 1 चमचा जीरा है। 20 से 25 साबुत गोल मिर्च है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है। यहाँ पर हमने 700 ग्राम गोश्त लिया है। सबसे पहले हम गोश्त डाल लेते हैं। अब इसके अंदर हम चने की दाल डाल रहे हैं। दाल के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको हमने भिगो के नहीं रखा, बस हमने इसको धो के इसमें डाल दिया है। प्याज डाल रहे हैं, अदरक लहसुन डाल रहे हैं, गरम मसाला डाल रहे हैं, साबुत गोल मिर्च डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। 3 कप के बराबर यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। इस वक्त मैं कुकर में पका रही हूँ, इसलिए मैं पानी इसी हिसाब से डाल रही हूँ। जब आप इसको बगैर कुकर के पकाएं तो आप पानी उसी हिसाब से इसमें शामिल कीजिएगा। अब हम इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब इसको देख लेते हैं, ये आप देख सकते हैं गोश्त और दालें अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम इसको पीस लेते हैं। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसके अंदर हम 2 चमचे दरदरा सा कुटा हुआ रोस्टेड साबुत धनिया डाल रहे हैं। 2 चमचे हमने साबुत धनिया लिया था, उसको हमने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद हमने इसको दरदरा सा कूट लिया, ये हमने शामिल कर दिया। इसी तरीके से 1 चमचा यहाँ पर हम रोस्टेड जीरा पाउडर डाल रहे हैं। 2 चमचे के बराबर बारीक कटी अदरक है। 1 चमचा दरदरी सी कूटी हुई हरी मिर्च है। 12 से 15 हमने हरी मिर्च ली थी, उसको हमने दरदरा सा कूट लिया। 1/2 कप यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ पुदीना लिया है। 2 बड़े साइज के लेमन है, ये शामिल कर लेते हैं। लीमू का रस डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने एक अंडा लिया है, उसको तोड़ कर हम शामिल कर लेते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका। अब जितने बड़े साइज के हमने कबाब बनाने हैं उतने बड़े हम कबाब बना लेंगे। ये एक बन चुका, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा भी बना लेते हैं। अब जितने भी हैं तमाम कबाब हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं। अब एक एक करके कबाब इसके अंदर हम डालते चले जाएंगे।
ये तमाम कबाब इसमें हमने डाल दिए। जैसे ही इसका एक साइड हो जाएगा, इसका साइड हम बदल देंगे। इसका एक साइड हो चुका है, अब हम इसका साइड चेंज कर रहे हैं। ये दोनों साइड से अच्छे से हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से जितने भी हम तमाम तैयार कर लेंगे, ये तमाम कबाबों को हमने तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कबाब बनके तैयार हुए हैं। अब इनके साथ खाए जाने वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप इमली का गूदा लिया है, 50 ग्राम के बराबर हमने इमली ली थी उसका गूदा निकाल लिया। 6 से 7 हरी मिर्च है, थोड़ा सा पुदीना है और आधा कप के बराबर यहाँ पर हमने हरा धनिया लिया है। 7 से 8 लहसुन के जवे हैं, 1 चम्मच जीरा है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने नमक का लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या बढ़ती कर सकते हैं। अब इन सबको हम ग्राइंड कर लेते हैं। इमली का गूदा डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो देखा आपने कितने मज़ेदार से हमारे ये रेशे वाले शामी कबाब बने हैं और साथ ही इसके साथ खाए जाने वाली चटनी भी बड़े मज़ेदार लगती है। आप इनको ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर से पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।